आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो पहले उस क्लास को देखें। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। पर जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी अक्षर की बाएं से रैंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग एक प्रश्न, जैसे आपको अगला क्वेश्चन वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक प्रश्न आप बताइए, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं दूसरे के दाएं पांचवें के दाएं सातवें के बाएं दसवां होगा? ये प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि आंसर हमारा कहाँ से आएगा, तो आंसर हमारा बाएं से आएगा। तो आप बाएं से लिखिए सबसे पहले। आप सेम डायरेक्शन को हम घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ेंगे। तो बाएं से तीसरा, 3 + 2 + 5 + 7 - 10। ये 3 - 5 और 10 हो गया। 10 घटा लेंगे तो आंसर जो हमारा बच रहा है वो बाएं से 7। और बाएं से 7 को हम जानते हैं कि वो हमारा जी होगा। अब एक अगला प्रश्न जो आज का हम लोग करने जा रहे हैं, इसके लिए आप बताना है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवें के दाएं पांचवें के बाएं छठवां होगा? इसको एक बार पढ़िए। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के दाएं पांचवें के बाएं छठवां होगा? आंसर हमारा कहाँ से आना है? आंसर हमारा दाएं से आना है। तो निकाल लेते हैं क्या आ रहा आंसर दाएं से। दाएं से पांचवें, अब के बाएं अपोजिट डायरेक्शन मारना, के दाएं -5, के बाएं छठवां। इस वाले पास से ये वाला पास कट हो गया और 7 और 6 13। आंसर हमारा आया दाएं से 13। कितने लोगों के मन में विचार आया कि आंसर एम होना चाहिए? क्योंकि अब दाएं से आया है, अगर ये बाएं से होता तो हमारा 13 आंसर सही होता। अक्सर गलती हो जाती है कि बच्चे जल्दबाजी में दाएं 13 आया तो उन्होंने बोला एम होगा। क्या होगा? एम होगा। यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं। हमारा आंसर आया है दाएं से 13। दाएं से 13 हमने आपको बताया था कि जब हमें रैंक ज्ञात चेंज करनी हो, किसी की दिशा अपोजिट डायरेक्शन चेंज करनी, दाएं से हमें ज्ञात है, दाएं से 13 है तो बाएं से कितना होगा? बाएं से ज्ञात करनी है रैंक भाई। या तो आप दाएं से अक्षर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या तो आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करिए इसको चेंज कर लीजिए। अगर चेंज करने के लिए करना है, जो भी वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, अक्षर से
एक ज़्यादा, यानी कि 27 से इस पोजीशन को घटा देना है। 27 माइनस 13 14 आ गया, 14 इज इक्वल टू एन। तो वो अक्षर कौन सा होगा? वो अक्षर एन होगा। ये एक ज़्यादा से क्यों घटाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए कोई अक्षर में ए बी सी डी है, मैं पांच अक्षर लेता हूँ शुरुआत के, ए वी सी डी ई, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये बायां छोर है हमारा और ये दायां है। देखिए ये बायां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये दायां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब अगर मैं किसी नंबर की पोजीशन ज्ञात करूं, मान लीजिए ये नंबर लिया मैंने बी, बाएं से पोजीशन क्या है इसकी, बाएं से इसकी पोजीशन दो आ रही, दाएं से पोजीशन क्या है, दाएं से एक दो तीन चार, दाएं से पोजीशन चार आ रही, कुल कितना हो गया? अगर इसकी रैंक दायां प्लस बाएं से हम निकालें तो टोटल छः हो गया। लाइन में अक्षर तो पांच ही हैं, तो छः कहाँ से आ गया? इस वाले अक्षर को जिसकी हम रैंक ज्ञात कर रहे हैं, जिसका स्थान ज्ञात कर रहे हैं, हमने इसको दोनों तरफ काउंट किया है, इधर से दूसरा है, इधर से चौथा है। तो यदि हम किसी को, मान लीजिए एक दो और तीन व्यक्ति लाइन में है, तो हम बोल सकते हैं ये इधर से दूसरा है और इधर से भी दूसरा है, लेकिन लाइन में कुल लोग तो तीन ही है। अगर हमें किस, तो क्या हुआ कि इधर से भी दूसरा है, इधर से भी दूसरा है, दोनों को जोड़ा, इस वाले व्यक्ति को हम दोनों साइड से काउंट कर रहे हैं। तो जिस अक्षर की रैंक ज्ञात करनी होती है, हम उसको दोनों साइड से काउंट कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आप, अगर आपको किसी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे अक्षर हो, रैंकिंग वाले जब प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक, अगर रैंक चेंज किसी की, हमें दिशा चेंज करनी है, दाएं से ज्ञात कर दिया है, बाएं से ज्ञात करना है, या बाएं से दिया है और दाएं से ज्ञात करना है, तो प्लस एक, जो भी उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल अक्षरों की संख्या है, उसमें एक जोड़ के माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या होगा? बाएं से चौदहवा, दाएं से चौदहवा, तेरहवा कौन सा होगा? एन होगा। चलिए आज का देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी किसी को समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर जो मैंने पिछली क्लास में दिया था आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आज का तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं नमे के दाएं चौथे के बाएं सातवां होगा? तो आंसर कहां से आना है? आंसर दाएं से आना है। और क्या आएगा? 5 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 7। तो 9 5 14 14 में 4 14 और 7 21 21 में से 4 गया 17, और दाएं से 17, इसका मतलब बाएं से 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10। तो बाएं से दसवां कौन सा होगा? जे। क्लियर है? अगला करिए इसी बात पे, ये भाषा आपको ध्यान रखनी, मैं बोल रहा हूँ कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से चौदहवें के बाएं सातवें के दाएं तीसरे के बाएं
दूसरा होगा। दाएं से आंसर आना है, दाएं से आपको फटाफट लिखना है। आंसर कहाँ से आएगा? आंसर आपका दाएं से आएगा। दाएं से 14वें, के दबाएं 7वां, के दाएं तीसरा, सेम डायरेक्शन माइनस होनी है, के बाएं दूसरा। 14 7 21 दो 23, 23 में हो गया 20 बचा। दाएं से 20 यानी कि बाएं से 7, 7 इज इक्वल टू जी। क्लियर है? एक अगला आप मैं बोल रहा हूं उसको कमेंट करेंगे और हम लोग श्रृंखला को चेंज करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, कौन सा अक्षर दाएं से 5वें, दाएं से 15वें, के बाएं 7वें, के दाएं 10वें, के बाएं दूसरा होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ठीक है? अब एक मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, आज का 5वां। कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, के दाएं 17वां होगा? ऐसा आ गया तब क्या करोगे आप? कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, के दाएं 17वां होगा? इसको हम लोग चेंज करेंगे तो आया क्या, बाएं से 15 प्लस 17 32। कहां से आ गया 32? बाएं से 32 आया। अब क्या करना है? अक्षर तो हमारे पास 26 ही होते हैं, ये तो 32 हो गए, है ना? आंसर तो हमारे पास जो अक्षर होते हैं वो 26 ही होते हैं, यहां तो 32 हो गए। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों? ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि हमारी ए बी सी डी, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, इसके बाद फिर से शुरू हो जाती है ए बी सी डी डट डट, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है? इससे पहले भी यहां पे जेड होगा, वाई होगा, एक्स होगा, डट डट। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको कितना घटा देना है, 26 से माइनस कर दो। क्या आ गया? 6 आया। बाएं से छटा मतलब एफ होगा। यहां पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो सर जी 27 से घटाने की बात कर रहे थे और ये 26 से घटा दिया। कई सारे बच्चों के मन में ये बात बैठ सकती है और वो कॉन्सेप्ट उनका गड़बड़ हो सकता है। तो बच्चों, हमने आपको बताया था जब दिशा चेंज करनी हो तो माइनस करेंगे 27 से। किसी अक्षर का दिशा या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, ये बाएं से दायां या दाएं से बायां ज्ञात करना हो तो कितने से घटाएंगे? तो 27 से घटाएंगे। क्लियर है? यदि हमें दिशा चेंज नहीं करनी है, क्या दिशा चेंज नहीं करनी है, तब हम क्या करेंगे? यहां पे देखिए, बाएं से ऊपर भी था और बाएं से नीचे भी था। इस कंडीशन में हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, और यदि हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम जो है 26 से घटाएंगे। हमने सिर्फ वर्णमाला को कम किया है, 26 से हटाए। 27वां कौन सा होगा? ए। 28वां, 29, 30, 31 और 32।
भाई यहाँ तक इस पे 26 ले सकते हैं हम, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया, ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, इसी क्रम से चलता जाएगा। ये वाला 52 हो जाएगा, फिर 53 आ जाएगा, 53 नंबर पे ए आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और आज का छठा क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के दाएं पंद्रहवें के बाएं पांचवें के दाएं ग्यारहवें के बाएं चौथा होगा? देखिए, बाएं से आंसर आना है दसवां के दाएं पंद्रहवां के बाएं पांचवां के दाएं ग्यारहवां के बाएं चौथा। तो 10 और 5 15 10 25 25 और 11 36, 36 में से 9 गया, सत्ताईस क्या बचा? 27, गलती तो नहीं है जोड़ में? 15 10 25 11 36, 36 में से 9 हो गया, 27 बचा, 27 बचा। तो इसका मतलब कि 27वां अक्षर जेड के जस्ट बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो 27 माइनस 26 जब हम करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ रहा होगा, 1 इज इक्वल टू ए1 ए। क्लियर है? चलिए आगे शुरुआत करते हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, डेली बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है आपकी, बस आप लोगों को पूरी ईमानदारी से कॉपी पेन लेके इसको हल करना है और मेरी बातों पे गौर करना है आजीवन। कभी भी आप एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद मेरे से कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पेन बिना पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, कौन सा अक्षर बाएं से पंद्रहवें के दाएं बीसवें के बाएं पांचवा होगा? इसको आप निकालोगे तो 15 और 20 आंसर आना है बाएं से, 15 और 20 35, 35 माइनस 5 यानी कि 30, और 30 को 26 से घटाएंगे आंसर 4 आ जाएगा, और 4 इज इक्वल टू डी होगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए एक और कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। कौन सा अक्षर दाएं से पंद्रहवें के बाएं दसवें अक्षर के बाएं दूसरा होगा? देखिए आंसर कहां से निकालना है, दाएं से पंद्रहवें के बाएं दसवें के बाएं दूसरा, 15 और 10 25 और 2 27, क्या आया? 27 आया। कहां से आंसर आ रहा है हमारा? दाएं से। दाएं से कितना आ रहा है? दाएं से 27वां। इसका मतलब
बाएं से कितना होगा? अगर दाएं से 27 आ रहा है, अब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सीधा सा अर्थ इसका है कि हमें 27 से घटाना होगा, और जब 27 से घटाएंगे तो 27 में से 27 गया, जीरो आ गया। ये तो एक अलग ही कंसेप्ट आ गया, न कोई गिनती आई नहीं, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा? हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये सवाल बन रहा हो कि अब कौन सा अक्षर आएगा, तो गलत हो गया। नहीं, दरअसल में आप सब लोगों ने संख्या रेखा पढ़ रखी होगी, ये A, V, C, D, E, ठीक है, इसके इधर Z, Y, X, W, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वन माने, क्या माने, ये वन हो गया, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ऐसे डट 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 एक्स वाई और जेड आएगा, 25 होगा, 24, 25 और 26 होगा। एक के बाद क्या आता है, संख्या रेखा पढ़ी है आप लोगों ने, कक्षा छः से पढ़ते आ रहे होंगे, एक के बाद क्या आता है, एक के बाद क्या माइनस एक आता है? नहीं, एक के बाद जीरो आता है, फिर माइनस एक आता है, फिर माइनस टू आता है, फिर माइनस थ्री आता है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, हमने दो बार ना घटा के, एक बार हम 26 से घटाते तो अक्षर बचता, फिर हम उसको 27 से घटाते, तो उससे बेहतर ये है कि हम डायरेक्ट 27 से घटा लें, हमें डायरेक्शन तो चेंज करनी है। तो दाई पोजीशन जब भी हम निकालेंगे दाएं से, तो उसको 27 से घटा के सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम 27 से माइनस करेंगे तो दाएं वाली की पोजीशन जो है उसकी दिशा चेंज हो जाएगी और आंसर बाएं से हमारा निकल के आएगा रिजल्ट। तो जीरो आया था, जीरो का मतलब जेड, क्या आया था? जेड, तो इस जीरो का मतलब क्या होगा? जेड होगा। अब एक इसी बात पे आप लोग करके दिखाएंगे तुरंत, हमें इसका आंसर आप लोगों से एक मैं कराऊंगा, उसके बाद अगले का आंसर आपसे उम्मीद करता हूं मैं। दाएं से 20 में अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 20 प्लस 11 31, ये किधर से आया? ये दाएं से आया, हमें आंसर ज्ञात करना है बाएं से, तो बाएं से कितना होगा? 27 माइनस 31, घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 4, और माइनस का 4 जो है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा माइनस का 4 आया, जब आप माइनस का 4 घटाओगे तो वो आ रहा होगा वी, कितना आ रहा होगा वी, कैसे कि यहां से घटाया तो माइनस का 4 बचा, अब माइनस का 4 बचा यानी कि 26, टोटल 26 और 4 जोड़ेंगे तो 22 बचेगा, 22 का मतलब वी आ गया। या इसको अगर आपको सेम डायरेक्शन निकालनी हो तो दाएं से कितना आया, दाएं से 31 आ रहा था, 25 घटाएंगे, 26 घटाएंगे 31 में से, तो 5 बचा, अब दाएं से 5वां, तो बाएं से कितना होगा? 22वां, क्लियर है? दो बार प्रोसेस बचने से बेहतर है आप सीधा एक बार घटा के आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है उसका आंसर वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका आप आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा अक्षर दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 14वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे हमें,
और अब हम लोग अगली सीरीज जो बहुप्रतीक्षित हम लोग शुरू नहीं कर पाए हैं उसको शुरू करने जा रहे हैं। यदि अंग्रेजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे दूसरे अक्षर के बाएं नमा होगा। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए, पढ़ लिया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं नमा होगा। पहले तो इसको समझिए कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में कैसे लिखा गया, क्या होता है। कई बार ऐसा होता है तो आप लोगों ने तुरंत ही लिखना शुरू कर दिया उल्टे क्रम में। आप ऐसे लिखते हो जेड वाई, या उधर से लिख के लाए ए बी सी डी और उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने पहले ऐसे लिखी ए बी सी डी डट 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 एक्स वाई जेड, मैंने ये लिखा था। अब जैसे ही आपको बोला तुरंत आपने इधर से लिखना किया जेड वाई एक्स और इधर सी वी ए, तुरंत ऐसे आपने लिखा। दोनों में उसने बोला और हमने उल्टा लिखना पड़ गया, क्या फर्क पड़ा दोनों में? अगर हम सिर्फ भाई जब सीधे क्रम में लिखी थी तो ये हमारा बायां छोर था, इस बात पे ध्यान देना। अब ये हमारा और ये हमारा दायां छोर था, तब इसको हम लेफ्ट इंड बोलते थे और इसको राइट इंड बोलते थे। अब क्या कर दिया, अब जो अब ये हमारा बायां छोर हो गया भाई, बायां छोर तो अभी भी। अब क्या हुआ, जो ए पहले बायां छोर पे था उसकी जगह पे जेड बायां छोर पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उल्टे ना लिखते, इससे ना लिखें इसको और सिर्फ छोर को ही बदल दें, हमने बाएं को दायां और दायां को बायां कर दें, भाई ये बायां छोर कर दिया हमने और ये दायां छोर कर दिया, एबीसीडी पलट पलट गई ना। हमेशा बाएं छोर हमारी तरफ होता है, भाई अब हम वहां से हो गए, हमने छोरों को पलट दिया, एबीसीडी पलट गई।